महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। रुकना रुकना, देख रहे हैं मैं तेरे सर पे दौड़ूंगा दौड़ूंगा, मैं जब तक पूरे प्रार्थना करूं हटाना नहीं किसी को। इसके ऊपर एक स्प्रेट है, तेरे सुन मेरे बात को, तेरे ऊपर एक स्प्रेट है जो गंदा स्प्रेट है, गलत स्प्रेट जो मन में गलत गलत चीजें डालता है, लेकिन तू आज से यीशु के नाम से प्रार्थना करना, वो शैतान तेरे को छोड़ के चला जाएगा। चाहती है छोड़ के चला जाए, चाहती है छोड़ के चला जाए, परमेश्वर ने ब्लेस कर, जा तू आजाद रहेगी, चल हट जा। हालेलुया, बहता जाएगा चश्मा, बहता है बहता जाएगा, यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा उसे, यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा, सब दुखे दौरे करेता, दुखियों के सब दुखे दौरे करेता, सारे रोगों से शिफा देता, सारे रोगों से शिफा देता, शिफा देता अपने हाथों को उठाओ और जोर से ताली बजाओ खुदावंद के लिए। सबल हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ खुदावंद के लिए, सब तैयार हो जाओ अपने आशीष से और अपने बरकत को लेने के लिए। खुदा उन लोगों को आशीष देता है जो तैयार रहते हैं। कोई भी व्यक्ति बैठा ना रहे, सब खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। लॉर्ड फादर, और अपने आंखें के बंद करें, हम रेडी हो जाएं। कितने लोग रेडी हो? ठंडी लग रहा है कि नहीं? खुदा के लोगों को ठंडी नहीं लगता है ना? परमेश्वर आग और सामर्थ्य दे कर रखता है। सब बलहा ले लीजिए, अपने हाथों को उठाओ खुदावन के लिए, अपने जगह पर रहो ताकि आपको जगह पर जहां आप हो वहां पर परमेश्वर आपको टच कर सके, आपको हील और चंगा कर सके, आपको जीवन में परमेश्वर बड़े काम कर सके। अगर आप खुदा बन के लिए रेडी हो, खुदा आप लोगों के लिए रेडी है, आज वो सब कुछ देना चाहता है। अगर आप लेने वाले व्यक्ति हो तो अपने हाथ को उठाओ, आज हम लेकर जाएंगे। धन्यवाद ईश्वर, पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर। जितने लोगों ने मेरे परमेश्वर दूर तरह से तेरे नाम से आए हैं खुदाबन, खुदाबा प्रभु यीशु मसीह, उनके ऊपर तेरे दया वाला हाथ उतर जाए यीशु के नाम। जितने लोग विश्वास करके आशा के साथ आए हैं मेरे प्रभु, एक एक जंग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम। जो बीमार है, लाचार है, दुख में है, परेशानी में है, संकट में, क्लेश में है, विपत्ति में है, परमेश्वर आज एक एक लोगों को दुखों को ले ले और इन्हें आजाद कर दे। जो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, घूम नहीं सकता, निराश है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ है, परमेश्वर आज उन्हें शक्ति के साथ ब्लेस कर दे। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों को, अपने हाथों को खुदा बन के लिए हिलाओ। खुदा के आत्मा आपको टच कर रहे, खुदा के सामर्थ्य आपको टच कर रहे हैं। हम आत्मा की गहराई में जाएंगे, पति दबा कर रखें, आवाज बढ़ा के रखेंगे, सामर्थ्य
मैं बहुतों को चंगा होते देख रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुतों को पर पवित्र आत्मा को तरते हुए देख रहा हूँ। आप ठंडे ना पड़ो, खुदा काम करना चाहता है। आप जितने उछलोगे कूदोगे खुदा काम करेगा। आप जितने चीखे और चिल्लाओगे खुदा काम करेगा। आपकी आवाज स्वर्ग तक जाना चाहिए, आपकी आवाज खुदा के पास पहुंचना चाहिए। जब अंधा व्यक्ति खुदा को आवाज लगाता, खुदा कहता है इसको मेरे पास आने दो, क्योंकि सबसे ऊंचा आवाज लगाया मैं करो। आपकी आवाज खुदा सुनना चाहता है। पवित्र परमेश्वर एक एक लोगों को ऊपर तेरा अभिषेक ठहरा रहा है यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमेन। ऊपर जोर से ताली बजा दो इसके लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अभी हम एक आराधना करेंगे। कितने लोग आराधना करेंगे? लेकिन छलांग मार मार के आराधना करेंगे। आज मेरे परमेश्वर का जितने मूड बना के कूदेंगे, छलांग मारेंगे, उनकी विपत्ति आज यहीं खत्म हो जाएगा। बोलो आमेन। चाहते कि नहीं छलांग मारना? यस यस। गीत गाएंगे प्रभु के लिए। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा तालियां बजाते हैं। मुझे कह रहे हैं किसी का नाम सोनी है, सोनी 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 किसी का नाम है, परमेश्वर उसे आशीष देने जा रहे हैं। कोई सोनी है बड़े परेशान है, परमेश्वर से आजाद करने जा रहे हैं। आमेन। किसी का नाम रीमा है, उसे भी परमेश्वर मैं बेटा तेरा सोनी कुमारी सब बलहा ले लिया। सोनी मैं देख रहा था परमेश्वर तेरे जीवन में नया काम करेगा, अच्छा काम करेगा, लेकिन तेरे घर में कोई बीमार रहते हैं। कौन बीमार रहते हैं? मेरी मां पापा। क्या तकलीफ है उनको? उनको पेट में दर्द रहता है और पेट में दर्द। मम्मी तेरे साथ आई है, वो चंगे होने जा रही है। दुखियों के सब दुख हर लेता, दुखियों के सब दुख हर लेता। लेकिन परमेश्वर के आत्मा कह रहे बेटा तेरे घर में और बहुत लड़ाइयाँ होती है, लेकिन तेरे घर में समझ नहीं आता है कि लड़ाइयाँ कैसे खत्म हो। आपसी गार्जियन में लड़ाई हो जाता है, बेटा बाप में लड़ाई हो जाता है, ऐसे करके घर में किसी न किसी से लड़ाई हो जाती है, टूटफन हो जाती है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहे कोई तेरे घर में एक नाम दिख रहा था, सास से भी नाम देख रहा था, और हाँ एक सास है, किसका नाम आता है मुंह से बोले तू कस के, एक नाम किसी को जानती है, इसका नाम सॉस स्टार्ट होता है, और ऐसे एक बोलते हैं ऐसे ऐसे एक अ से और एक सॉस से, दो नामें देखा मैंने तेरे घर में। हाँ मैं देखा किसी का नाम स्टार्ट होता है, ऐसे देखा एक एक ऐसे अनूप अनूप ऐसे किसी का जेंस किसी का नाम है, या तो यहाँ पर कोई अनूप हो तो परमेश्वर उसे ब्लेस करना चाहता है। किसी का नाम तो परमेश्वर बता रहे हैं। अनूप 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 अनूप
तेरे घर में मैं देख रहा हूँ किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है। शैतान गंदी गंदी सपना दिखाता है, परेशान करता है। मेरी दीदी को, दीदी को आज से तेरी दीदी भी आजाद हो जाएगी। लेकिन एक पूजा नाम की लड़की के लिए प्रार्थना करेगी करेगी पूजा नाम की लड़की के लिए प्रार्थना करना। एक रेशमी एसर रॉस एक और नाम है, उसके लिए प्रार्थना करना। ठीक है, दो लोगों के लिए प्रार्थना करेगी। हाँ एक रॉस नाम रमई राम पापा के नाम है। ताली बजाओ शुक्रिया। लोया थोड़ा सा लड़की घबरा रही है, लेकिन घबरा मत बेटा, शांति बना। अगर शांति बनाएगी तो चार भाई बहन को देख रहा था, समझ रही है? चार भाई बहन को, भाई बहन चार को ऐसे ऐसे सुन सुन बेटा, मेरी तरफ देखा, मैंने देखा चार भाई बहनों को दिख रहा था। और परमेश्वर मुझे कहा, अगर तू अपने फैमिली के लिए आशीष कारण बनना चाहती है, आज से तू प्रार्थना शुरू कर, परमेश्वर तेरे घर को हालात बदल देगा। बोलो आमीन। दुखियों को सब दुखी भर लेता। हेलो अनिल, उसको रोक अभी, अभी रोक अभी। दुखियों के सब दुखी भर लेता, सारे रोगों से शिफा देता, सारे रोगों से शिफा देता, शिफा देता। परमेश्वर मुझे कह रहे कोई और एक नंदिनी को देख रहा हूँ, नंदिनी को कोई है, नंदिनी वो बड़ी परेशान है, रो रही है। परमेश्वर उसके दुखों को लेने जा रहा है। कोई नंदिनी है, परमेश्वर उसको दुखों को लेने जा रहा है। मैंने देखा परमेश्वर से प्रार्थना करना। और ये तुम्हारे माँ है, इसको इसको पेट में सीने में प्रॉब्लम होती है, होती है, इसको चक्कर आता है, चक्कर आता है, बुखार नहीं कर, बुखार भी है, बुखार भी है, चक्कर भी आता है। अभी अभी एक घंटे के बाद तो अपने मम्मी को यहाँ लेकर आकर देखना, जितने भी उसके प्रॉब्लम था वो खत्म हो जाएगा। पापा भी बुखार दर्द है, पापा को भी बुखार है, मम्मी को भी है, नहीं रहेगा। सिर भी दर्द है। हाँ मैंने क्या बोला, नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर तुम्हारे घर में सुख शांति देगा। और आने वाले समय में 2025 में किसी का साथी देख रहा हूँ अगले साल। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसमें आशीष दूंगा। किसका शादी है 2025? किसको शादी करना है? दीदी को। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया, ये खुशखबरी तेरे घर में आएगा। इसके बात करा, मैं कोई केस देख रहा हूँ, केस, कोई केस समझती है, कान से सुन, कुछ कोई केस देख रहा हूँ, कोई लफड़ा देख रहा हूँ, केस देख रहा हूँ। अभी एक पुराना केस इसके ऊपर है, अभी खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर कह रहा है कि आने वाले 2025 में वो से तुम मुक्ति पा जाएगी। ताली हो जाए यीशु के लिए जोर से। हालेलुया, यीशु मसीह इसके ऊपर तेरा अभिषेक ठहरा रहे, यीशु के नाम में बोलो आमीन। मेरा मीठा पानी है जो पिए बच जाएगा। खुशी के थी ये इस बहन का नाम रीमा। देखा रीमा, कोई तीन बहन, कोई जी रीमा कुमारी नाम है। हाँ क्या नाम है तेरा? चार बहन है। तीन बहन को देख रहा था ऐसे मैंने, लेकिन नहीं, चार बहन और बैठ गए, चार बहन। सुन मेरा, अरे मेरा भी सुना करना, तो अपने अपने बोलते जाएगी तो मैं क्या बोलूंगा। मैंने देखा दो बहन एक साथ आई हुई, दो बहन को एक साथ, कोई प्रॉब्लम, एक ही बीमारी दो बहन का है, समझ रही है? एक ही बीमारी दो बहन को है और दोनों बहन बड़ी परेशान रहती है। हाँ हाँ हाँ। और मैंने देखा तेरे घर में कि परमेश्वर एक आशीष दे रहा है, कह रहा है कि मैं एक नया घर बनाऊंगा। नया घर बनाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जा तेरे पर आशीर्वाद देता हूँ। तुम जो तुझे भी, तेरा नाम रीमा है, तुझे दो लोग के लिए प्रार्थना करना है। एक नाम आशीष स्टार्ट होगा, एक पॉसी स्टार्ट होगा।
कौन है? आरती कुमारी। आरती कौन है? बड़ी दीदी। बड़ी दीदी के नाम है। ताली बजाओ ईश्वर के लिए जोर से, जोर से। एक सौ से भी नाम स्टार्ट हो रहा है, सौ से। एक और एक और एक एक हाँ ऐसे ऐसे कोई किसी का नाम ऐसा बोलते हैं संजू, किसी को जानती है संजू, किसी को बगल में जानती है संजू। इसमें कोई संजू है जिसके पास बच्चा नहीं है? ऐसे किसी का पास बेटा बेटा मांग रही है, वो भी मेरे पास आएगी जिसका नाम संजू है। उसके लिए मैं बेटे के लिए दुआई करूंगा, परमेश्वर ब्लेस करेगा। तेरे घर में नया काम होगा 2025 में, खुशखबरी मिलेगा। कुछ रास्ता के लेके प्रॉब्लम देख रहा था, लेकिन वो प्रॉब्लम खत्म होगा, तेरे घर में आशीष आएगा। तेरा नाम रीमा है, तेरा नाम रीमा है। इसमें कोई और भी रीमा है, एक और रीमा है, कोई और भी। धन्यवाद देता हूँ ये बेटी, जब तेरे नाम को जानेगी और प्रार्थना करेगी बड़े बड़े काम होगा इसके लिए। प्रभु ये तेरे को जानने वाले और तेरा महिमा करने वाले बने यीशु के नाम, यीशु के नाम में बोल आमीन। आमीन जी हालेलुया। जो देख रहा हूं उसको बेटे का आशीष नहीं है, ये बहन है, बेटे का आशीष नहीं है, बेटा नहीं है, खुशखबरी मना, बेटा आने वाला है। परमेश्वर ने मुझे बोला मैंने देखा कोई संजू है उसके पास बेटा नहीं है, परमेश्वर ने देखा 2025 तुम्हारा होगा। आगे 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 बढ़ा के बढ़ा 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 हो यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी इसके अंदर से निकल जा और इसके गर्भ को छोड़ दे, इसको बच्चा होने से कोई नहीं रोक सकता। छोड़ इसको, कब से पकड़ के रखा है? कब से? 5 साल से, 4 साल से, कितने दिन से पकड़ के रखा है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, कब से पकड़ के रखा है इसको? कब से पकड़ के रखा है? कब से? इसको पेट में दर्द तू देता है, चक्कर तू लाता है, घबराहट तू देता है। परमेश्वर आज से ये सारा बीमारी को लेने जा रहा है और इसको आजाद करने खड़ा करा। स्टैंड अप, स्टैंड खड़ा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। संजू तेरे घर में भी पी पौ से नाम देख रहा था, उसके लिए बोला परमेश्वर ने प्रार्थना करना। समझ रही है? तेरा बंधन तोड़ेगा परमेश्वर को। र से प से नाम देख रहा था, कह रहा कि परमेश्वर तेरे घर में 4 साल से श्राप लगा, 4 साल से, कितने साल से? 4 साल से तेरे ऊपर श्राप लगाया है और शैतान तेरे को 4 साल से गंदे गंदे सपना दिखा दिखा कर परेशान करता है, गुस्सा दिलाता है, झगड़ा करा देता है। चक्राता ही नहीं, आज से नहीं होगा, मेरे यीशु तुझे चंगा करके भेजेगा। अगर आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाए। सभी ताली बजाते हुए, यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाए। कंपनी में काम करते हैं, ताली हो जाओ यीशु के लिए। खुशखबरी है, मार्च से पहले तेरा गवाही बन जाएगा। ले अभिषेक तेरे पर आ गया। ताली हो जाओ यीशु मेरा मीठा पानी है। किसी नंदिनी को देख रहा हूँ, इस बैंड का नाम नंदिनी है। देख रहा था नंदिनी तो बड़े परेशान रहती है और दो बेटों को देख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा तेरे घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई है और तू कुछ करना चाहती है नहीं कर पाती है। तू कुछ जमीन की भी प्रॉब्लम लेकर चल रहा है, घर में आपसी भी प्रॉब्लम चल रहा है। मेरा परमेश्वर मुझे कह रहा है कि जा बेटी, तेरे घर में कोई नशा भी करता है वो उससे छुटकारा पाएगा। कौन नशा करता है? पिता है। कौन पिता है? देवर। देवर पिता है? देवर पति, तीन भाई है। पति
हाँ पति देवर चार भाई तीन भाई दो भाई कितने भाई है तीन भाई भाई इतने कह रहा हूँ परमेश्वर मुझे कह रहा है कि तेरे घर में मैं सुख और शांति देने जा रहा हूँ शांति चाहिए तो अभिषेक को रिसीव कर बोला हमें नए लोग आते हैं यार सिखाना पड़ता पड़े बोला हमें चाहिए शांति बरकत चाहिए तेरे घर में कोई बच्चा बीमार रहते हैं कौन है लड़की बीमार थी क्या तकलीफ उसको जाकर फोन करके अभी या तो कल पता कर लेना वो दर्द इसी समय खत्म हो चुका यीशु का नाम अरे लोहिया लोहिया यीशु मेरा पानी है नंदनी मैं तेरे को देख रहा हूँ परमेश्वर तुझे आशीष देगा और प्रभु की आत्मा मुझे कह रहे दो बेटियों को वो दो बेटी एक नाम एक देख रहा था उसको भी नाम और से स्टार्ट हुआ लेकिन लेकिन हाँ मैं तेरे घर में तेरे बच्चों पर एक नया सी दूंगा 2025 में जिस काम से तू परेशान है जिस लोगों से परेशान है जितने नशा से तू परेशान है 2025 में वो छुटकारा पा जाएंगे यीशु के नाम में आज से खुशखबरी मिलेगा नंदनी ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से कोई कोई प्रीति है प्रीति को पेट में प्रॉब्लम होता है प्रीति को पेट में प्रॉब्लम होता है उसको कुछ आंदोलन बीमारी है प्रीति नाम है उसका मेरा परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रीति मैं तेरे दुखों से मुक्ति दिलाने जा रहा हूँ गा गा गीत गा तो चुम मेरा मीठा पानी है जो पिए मत जाए सुनो कोई राधिका है आज परमेश्वर मुझे कहा ज्यादा भविष्यवाणी करना क्योंकि ज्यादा लोग चंगे होंगे कोई राधिका है परमेश्वर कह रहे राधिका के पास भी बेटा नहीं है परमेश्वर देने जा रहे किसी के नाम राधिका है वो आशीषित होने जा रही है के नाम में कोई अंजलि है परमेश्वर आशीषित होने जा रही है कोई औरत आई है उसका पति तीन साल से छोड़ दिया है उसको लेकर नहीं जाता है वो आई है प्रार्थना कराने कि मेरा पति मुझे छोड़ दिया है वो औरत आगे आएगी परमेश्वर कह रहा है उसका पति फिर से वापस लेने के लिए आएगा ताली बजाओ यीशु के लिए मेरा मीठा पानी है जो पिए बच जाएगा किशोर है किशोर किसी का नाम किशोर है परमेश्वर तक किशोर को मैं घर में शांति देने जा रहा हूँ कोई किशोर है उनको घर में शांति देने जा रहा हूँ फिर से मैं कहता हूँ कोई प्रीति है परमेश्वर उसको बीमारी से मुक्ति देने जा रहा है उसके घर में शांति देने जा रहा है परमेश्वर कोई देख रहा हूँ कोई बच्चा है गुंगा है इतना बड़ा है बोलता नहीं है अब भी उसकी आवाज खुलने जा रहा है कोई बहरा है वो सुनने जा रहा है जो लंगड़े हैं वो चलने जा रहा है जो देखते नहीं है वो देखने जा रहे हैं टांगों में फल आने जा रहे हैं आप खुदा के गवाह बनने जा रहे हैं ताली बजा जीत गए उसको चलने में प्रॉब्लम होती है परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं मैं उसको चंगा करने जा रहा हूँ आप चेक करते रहना जैसे जैसे मैं बोलता हूँ जैसे चेक करोगे गवाही बन जाएगा मैं कर रहा हूँ आपके बच्चे आजाद होने जा रहे हैं आपके बच्चे चलने जा रहे हैं जो टेढ़े चलते हैं वो सीधे चलेंगे जो उठते नहीं है उठेंगे यीशु के नाम से जो बैठते नहीं है बैठेंगे यीशु के नाम से हमें बोला कर तू परमेश्वर का आत्मा काम करेगा तो लोगों को माए क्या हुआ परमेश्वर का आत्मा काम करेगा क्या हुआ इस बच्चे को क्या हुआ बोल बोले प्रभु जी ये बहन बचपन से नहीं चलती बचपन से कहां से आई है कहां से आई है तू बेटा कहां से लक्ष्मीपुर तू दूसरा माइक लगाओ माइक सही कर तू जल्दी से हाँ क्या हुआ भूत नगर चाहिए धूप नगर लगा भूत नगर कोई धूप नगर ठीक है भूत नगर ठीक नहीं है वहाँ पर खाली भूत होते होंगे लेकिन सारा भूत यहाँ से जाने के बाद भागेंगे हालेलुया मेरा परमेश्वर कह रहा क्या तेरे तेरी बेटी को बोलती नहीं है चलती नहीं है कब से ऐसे प्रॉब्लम है बचपन से आइए तो धूप नगर से आज मोमबत्ती जलाकर भेजेंगे आज परमेश्वर कहता है खुशबू देकर भेजेंगे खुशबू चाहिए खुशबू तेरी बेटी खड़ा होगी चलेगी दौड़ेगी बोलेगी खुशबू आएगा कि नहीं आएगा आंख बंद कर इसके ऊपर इसके ऊपर मेरा रुमाल रख इसके ऊपर जल्दी कर दौड़ जा दौड़ जा दौड़ के आओ हाँ इसके मुड़ी पर रख रुमाल जल्दी कर इसके मुड़ी पर रख लड़की को मेरा मीठा पानी है जो पिए बच जाए जो मेरा
हाथ उठा और बोल परमेश्वर मेरे बेटी पर दया कर और मेरे बेटी चलने लगे यीशु के नाम में बोल आमेन। तू यहाँ आ जा, चल यहाँ आ जा। दुखियों को सब दुखे हरे ले तरसे, ये साल उतार दे, बहुत साल उतार है, साल उतार इसका। हाँ थोड़ा ठंडी से हट कर ना। हाँ देख और अपने बेटी की तरफ देख, घुटना घुटने के बला, घुटने के बल, घुटने के बला। अरे कितना समझाना पड़ेगा। हाँ अपने बेटी की तरफ देख, बेटी तब देख, रवि यीशु मसीह की बेटी पर रहम कर दे और इसके बेटी को चलने में मदद कर दे। आज बिना मेरा टच किया तेरे नाम से चलने लगे। यीशु के नाम में बोला आमेन। इसको बोल अपने बेटी को बुलाए, बुला बेटी यीशु मेरा मीठा देखो बचपन से नहीं चल पाई, पहली बार अपने पैर पर खड़ा होकर चल रही है, ये चलना सीख रही है। भाई साहब इसका उम्र 15 साल हो गया होगा लेकिन नहीं चलती थी, देख लो। लेकिन आज इसका पैर खुल रहा है, कैसा लग रहा है इसको? अभी चल रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। जय जयकार, 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 जय जयकार। हाँ सुनो सुनो, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहे, कोई गुंगा बच्चा था, अभी पापा बोल रहे, बोलो बाबू अपने बच्चों को। मैं देख रहा हूँ गुंगा वॉलंटियर आज फाइट रहेंगे, आज परमेश्वर मोड में काम करने जा रहा है। हो यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय का, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय। कम कम रेनो सेनो मेनो, आजा इधर, आजा आजा आजा, कम 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 मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास, इहरा इहरा जल्दी से आजा बेटा, आजा आजा आजा। यीशु ने तुझे चंगा कर दिया, दुखियों को सब दुख हरे ले, दुखियों के सब दुख हरे ले, दुखियों के सब दुख हरे ले, सारे रोगों से शिफा दे। आज ये गोल लाग रही करी, मैं तो चंगी हो गई, मैं तो चंगी हो गई, मैं तो चंगी हो गई, मैं तो चंगी हो गई। इसको चला के ले जा बेटा, चला के लेके जा, चला के लेके जा अगले गवाही से। हाँ क्या हुआ? अभी आप प्रार्थना कर रहे थे कि गुंगा लड़का कोई बोल रहा है, अभी इसके पापा चेक कर रहे थे, पापा बोल रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ? बोल नहीं रहा है, पापा बोल रहा, बोल नहीं रहा था। आज अभी अभी चेक किए, क्या बोला? पापा बोल रहा है, पापा बोल रहा है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जय। सुनो 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 सुनो, उसकी आवाज सुनो मुझे, पापा
कस के बोला, जोर से बोलना, डांट मत, डांटे नहीं बोलेगा। हाँ पापा, हेलो शर्मा, देखा डरा रहा है, शर्मा रहा है, अभी बुलवाए तो बोला, यहाँ देखो डांट रहे नहीं इसलिए शर्मा रहे। हेलो 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 पापा बोला, डरमत 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 डरमत, मैं देख रहा हूँ किसी को कैंसर की बीमारी खत्म हो रही है। अमें, कैंसर की बीमारी खत्म हो रही है, हार्ट की बीमारी खत्म हो रही है, शुगर का बीमारी खत्म हो रहा है, आप छलांग मारने वाले हैं। इसको बुलवा, साइड में बुलवा, गीत का गीत का गीत का, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, आपने प्रोफेसी किए थे कि किसी बहन को देख रहा हूँ, उसका नाम राधिका है, उसको बहुत परेशानी में, ए बहन का नाम राधिका है। अभी राधिका तुझे कब से नहीं चला जा रहा था, कब से दर्द था ये? चार पाँच वर्ष से। अभी कैसा लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है, अभी सही लग रहा है, अभी चल के देख। जय जयकार जय जयकार परमेश्वर, तुझे ब्लेस कर दिया राधिका। मैंने कहा कोई राधिका है, बड़े बीमार है, देखो कह रही है मेरा नाम राधिका है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं ये चल नहीं पाती थी, अभी इसके टांगों में बल आ चुका। चल के दिखा, दौड़ के दिखा, परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहे, किसी को फिर देख रहा हूँ, खुदा की आत्मा आप सबको आजाद करना चाहता है। गिल्टी सुगर आपके शरीर से खत्म हो रहा है, अपने साल उतार दो, मूड बना लो, अपने साल उतारो, उतारो जो साल लपेट कर रखे ना, हाथ खोल कर रखो, आज आपको आत्मा से भरना है, आपको तैयार होना है खुदा से लेने के लिए। अरे जन्म लेने वाले बाप से मांगते हो कि नहीं मांगते हो? आज स्वर्ग के बाप से मांगोगे और परमेश्वर दे देगा। आप तैयार हो कि नहीं? बोलो हम तैयार हैं। बोलो आज मैं ठीक होकर जाऊंगा, आज मेरा बीमारी जाएगा, आज मेरा दुख जाएगा, आज मेरा उद्धार होगा, आज मेरा छुटकारा होगा, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। मैं कह रहा हूँ जिसके पास बच्चा नहीं है, तीन साल शादी का हो गया बच्चा मिलने जा रहा है, पाँच साल हो गया बच्चा मिलने जा रहा है, आठ साल हो गया बच्चा मिलने जा रहा है, क्या गवाही को क्या जी? प्रॉफिट जी, आपने प्रोपसी किए थे किसी औरत को, देख रहा हूँ उसकी पति छोड़ दिया है, ये बहन वही उनकी पति छोड़ दी, तेरा पति छोड़ दिया। देखो मैंने क्या बोला, मैंने परमेश्वर ने मुझे वेदी से बुलवाया, किसी का कोई औरत है उसका पति छोड़ दिया है, नहीं लेकर जाता है, नहीं लेकर जाता है, बात नहीं करता है, फोन करता है तो उल्टा सीधा बोलता है, गालियां देता है, बोलता तेरे को नहीं रखूंगा, कहती है छोटे छोटे लोगों को, बच्चों को कहां लेकर जाऊंगी, ये परिवार को लेकर कहां लेकर जाऊंगी। लेकिन देखो 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 इसका बंधन टूट गया, टूटी हुई है, लेकिन परमेश्वर कहता है टूटे हुए लोगों, पीछे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति देकर भेजूंगा। बोलो हमें, आप खुदा के घर में शांति लेने वाले हो, शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? अनिद्रा द्रा चिंता मत कर, एक पी से नाम स्टार्ट होगा उसके लिए तो प्रार्थना करेगी, पी से नाम किसी को देख रहा हूँ उसके लिए तो प्रार्थना करेगी, पौ से किसका नाम आता है, किसी को जानती है पौ से नाम आता है? नहीं जानती है। एक नाम देख रहा हूँ तेरे बगल में, उसका नाम ससुराल नैहर आ गई है, मायके में हूँ। हाँ तो नैहर है नोला, अच्छा ठीक है ठीक है। तो ससुराल में कितना दिन बिताए? पापा जी एक बार गई थी तो 6 महीना रुकी, एक बार गई थी तो 4 महीना। अब तो बोलते नहीं खाते, अब तक आज जाने भी। मेरा बेटा क्या है ना, विकलांग है, वो चलता नहीं है, इसी के कारण वो छोड़ दिए। बच्चे के कारण विकलांग है बचपन से, इसलिए नहीं बोलवाते हैं। तो तू पूछी क्यों नहीं कि मैंने थोड़े विकलांग कर दिया? वो बोलते हैं तेरी किस्मत में जो लिखा है वो हो गया, हम क्या करें? तू क्यों नहीं बोले कि तेरा किस्मत में क्या लिखा है? अरे घोसो तेरे किस्मत में क्या है, पति तो तू ही है ना, तू ही है ना, लड़का बात तो ये ना पूछना चाहिए ना, तेरा किस्मत में क्या लिखा है? कोई बात नहीं, चाहती है वापस आ जाए, तेरे पति तुझे लेके जाए, जी पापा जी, तेरे बच्चे भी ठीक होंगे और तेरे पति लेके जाएगा। मैं आशीर्वाद देता मेरे परमेश्वर,
इसके पति का मन बदल जाए यीशु के नाम में, इसके बच्चे को में बल आ जाए यीशु के नाम में, जैसे जाएगी अपने बच्चों को टच करेगी खड़ा हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर ने छू चंगा कर दे, बोल आमीन। जा अपने बच्चों को चेक कर, दुखियों के सब दुख हर लेता, दुखियों के सब दुख हर लेता, सारे रोगों से शिफा देता, परमेश्वर काम करना चाहता, तैयार है कि नहीं? अपना अपना बीमारी पर हाथ रखो, जहां जहां बीमारी है हाथ रखो, आज आपको छुटकारा होने जा रहा है। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा, बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है। कितने लोगों का हाथों में तेल है, अभिषेक का तेल हाथों में है, क्या हमें दिखा सकते हैं? अगर आपका मन करे तो हमें दिखा दो, मैं बताऊंगा क्या करना है। ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, परमेश्वर ने कहा यदि कोई बीमार है कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, उसके ऊपर अभिषेक का तेल लगाओ, वो रोगी चंगा हो जाएगा, रोगी चंगा हो जाएगा। मैं आपके बीच में पास्टरों को भी भेज रहा हूँ, ये लोग भी जाएंगे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। आप परमेश्वर की गवाह बनोगे। चलो चलो, पानी नहीं उठाना, सिर्फ तेल बोला था, आज्ञाकारी बनाओ भाई साहब। मैं बोलो तेल उठाओगे तो पानी भी ना उठा लो, है ना? इसलिए घर में झगड़ा होता है, घर के लोग बोलते हैं दाल बनाओ तो सब्जी बना देती है, कहते हैं सब्जी बनाओ तो पराठा बना देती है बेचारी, घर में लड़ाई होती है। ऐसा ना करो, जो बोला जाए वो करो, है ना? कहता है आज्ञाकारी, देखो फिर से पानी के उठा कर गया। मैंने बोला तेल उठाने के लिए, पानी नहीं बोला। हेलो हेलो, समझाओ समझाओ, कितना समझाए हो लगमाना तुम। हाँ सुनो, ऐसे तेल पकड़ो, बीमारी भगाना है कि नहीं? आज आपका बीमारी भगने वाला है। मैं किसी औरत को देख रहा हूँ, बड़े दिनों से परेशान है, उसके डॉक्टर को चेक कराई, उसने बोला रसोली हो गया, तेरे को कांट हो गया बचतानी में। वो परेशान है औरत, लेकिन चंगे हो गई आज। अपने तेल को उठाओ खुदाबंद के लिए, प्रभु यीशु मसीह उसको तेल में से दाहिना हाथ पर तीन बूंद गिराओ, तीन बूंद, जल्दी 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 जल्दी। ब्लेस तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेल गिराओ हाथ में, हाथ पे गिरा कर रखे रहना, किसी को मुंह में नहीं डाल देना जब तक मैं बोलूं नहीं, तब तक। मेरे बात को सुनो ध्यान से, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे दिखाओ, ऐसे ऐसे दिखाओ, आराम से, कोई बात नहीं, ऐसे दिखाओ। तेल हाथ में ले लो, जो व्यक्ति परमेश्वर पर ईमान रखता है वो चंगा होगा। ले लो, ले लो, और एक मिनट के लिए आंखें बंद कर दो, आंखें बंद रखो, डरो मत, कोई पर्स नहीं चुराएगा, चुराएगा तो उसको हम पकड़ लेंगे। हाँ, पर्स की तरफ मत देखो, तेल की तरफ देखो, प्रभु तरफ देखो। ऐसे ले लो, ऐसे आंखें बंद करो। प्रभु यीशु मसीह, इनके हाथों में मैं अभिषेक के लिए घोषणा करता हूँ, मैं एक ताजा मसा मांगता हूँ मेरे प्रभु। जितने लोग अपने हाथों में तेल लिए उनके अंदर एक अभिषेक आए, जब अपने बॉडी को टच करेंगे ये हील हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से पापा पारा कर पारा कर 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 सुनो ध्यान से, अगर आपके सामने कोई गुंगा बच्चा है, उसके कंठ पर तेल में से थोड़ा लगाना, सुनता नहीं है तो हल्का सा कान में लगाना बोर के। अगर कोई औरत एक कान से सुनती है, एक से नहीं सुनती है, तो जिससे नहीं सुनाई देता उस कान में लगाना।
गिल्टी है, सूजन हो गया है, दर्द होता है, हार्ट के प्रॉब्लम है, घबराहट होती है, सीने पर लगाना, सर में प्रॉब्लम है सर पे लगाना, जैसे मैं बोलूंगा वैसा करना, खुदा काम करेगा। आमीन। चाहते काम हो जाए, यस यस, ऐसे ले लो। और बाबा, कोई भी व्यक्ति खाली ना रहे, हर एक व्यक्ति के हाथ पे रखना, अपने हाथ पर रखो, अपने बच्चों को भी हाथ पर रखना, अपने पति के साथ आए तो पति के भी हाथ से रखना, पत्नी के साथ आए तो पत्नी के हाथ पर रख लो, जो भी है सबके हाथों को होना चाहिए, कोई व्यक्ति खाली नहीं होना चाहिए। सामर्थ भेजता हूँ यहाँ से, मेरे प्रभु जितने मेरे सुन रहे हैं वो चंगे होंगे, यीशु मसीह के नाम में। आपको जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ लगाना शुरू करना है, अपने जो जो प्रॉब्लम है नाम लो, नाम लो, मन मन नाम लो, जो प्रॉब्लम है बोलो, इससे छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए। हम थोड़ा सा अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और उसके बाद तेल को लगाना, आत्मा आज इनके हर एक बंधन टूट जाए, बीमारियां इनको छोड़ कर चला जाए, हर एक गरीबी इनको छोड़ कर चला जाए, हर एक श्राप टूट जाए, हर एक कर्ज के श्राप टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाए, हर एक बीमारियां निकल जाए। बाबा बारह बार पास्ट लोग जाएंगे जिनके अंदर दुष्ट आत्मा होगी, उसको अभिषेक का तेल लगाएंगे, उसके उसके मुंह में अभिषेक का तेल डालेंगे, शैतान चीखेगा चिल्लाएगा निकलेगा, डरना नहीं घबराना नहीं, उसको चिल्लाने देना, उसको आजाद होने देना। जितने बड़े कह रहे अभिषेक को रिसीव करो, अभिषेक को रिसीव करो, या अभिषेक होगा मसा होगा तुम्हारे ऊपर, ये मसा होगा तुम्हारे ऊपर, ये मसा होगा। आज खुदा ने मुझे मुझे बोल के भेजा है, जितने रिसीव कर रहे हैं वो चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हर रोगी चंगे हो जाए, हर रोगी चंगे हो जाए, हर रोगी चंगे हो जाए। चलो तेल लगाना स्टार्ट करो फटाफट, bless हील हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, हर खाया पिलाया निकल जाए, हर खाया पिलाया निकल जाए। मैंने पास्टर को बोला फील्ड में जाने के लिए, खड़े रहने के लिए बोला, अभी आपको जहां जहां प्रॉब्लम है वो खत्म होने जा रहा है। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे दे मसा 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 मसा, दे दे का मसा मसा, दे दे का मसा, दे दे का मसा, दे दे। सुनो सुनो, अब ऐसे करो, हाथ उठाओ, मैं बीमारी को निकलते देख चुका हूँ, मैं आपको ठीक होते देख चुका हूँ। जितने बीमार हैं वॉलंटियर चेक करना शुरू करो, गवाही आना शुरू हो जाएगी। जो बोलता नहीं था उसको बुलवाओ, जो सुनता नहीं था उसे सुनवाओ, जो देखता नहीं थे उसको हाथ हिलाकर चेक करो, जिसके कमर में प्रॉब्लम थी, उठने बैठने में दिक्कत था, उठ बैठ के चेक करो, छलांग मारे, तीन मारे, ए गीत गाने का, दे दे रुका मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रुका मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे ताजा मसा, ओ यीशु तेरे घर में है मसा। पांच साल से इसकी पूरी बॉडी में जोर जोर में दर्द था, इस बैंड को उठने बैठने में काफी तकलीफ होता था, ठीक नहीं होता था। आपने यहाँ से वेदी पर से प्रोफेसी के और तेल के अभिषेक के कि जहाँ लगाओ दर्द, अभी देखो दर्द छोड़ कर जा रहा है, बैंड अपने शरीर के जोर जोर में लगाई, अभी पांच साल के दर्द से आजाद हो चुकी है।
सुनो सुनो, ये और चंगी हो गई है, जिसके हाथ में पट्टी लगा है चंगी हो गई है, चंगी हो गई है। देखिए इसको चेक कर, लेकर आ लेकर अभी कैसा लग रहा है तुझे? अभी अच्छा लग रहा है? ताली बजाओ अब सब अपना अपना जहाँ जहाँ दिक्कत था चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, आगे गवाही देने के लिए आगे आओगे, यहाँ आकर मुझे बताओगे आपको क्या का प्रॉब्लम था। हाँ अभी कैसा लग रहा है पूछो इसको, देख इसको देख, अभी हमें मुट्ठी बांध के दे, बोल मुट्ठी बने बने मुट्ठी बने बने, हाँ टूट गया था इसका, कब से टूटा था? प्रॉफिट जी एक ही दिन से इसकी बाइक पे कहीं जा रही थी और बाइक पर गिर गई, इसकी हाथ टूट गया था। हाँ अभी वो बहन गिर गया और हड्डी क्रेक हो गया, टूट गया टूट गया, लेकिन लेकिन अभी अभी तुझे कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, अभी मुट्ठी बना रहा है, मेरे बहू का डिलीवरी था उसी के लग। अभी अभी कैसा, अभी कैसा लग रहा है? मेरे पास दौड़ का दौड़ का ऊपर चुटकारा 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 नासरी ने दे ये गले में लगाई थी, ये हाथ नहीं काम कर रहा था, लेकिन अभी देखो इसका पूरा हाथ काम कर रहा है। उठा के देखो ऊपर ऊपर नीचे कर चकर नीचे कर चकर, कभी आया करो मुस्कुराया करो। कुछ वजन उठाने वाले दे, कुछ वजन उठाने वाले दे, कुछ बेग और कुछ दे चेक करने इसके हाथों को, हाथों को हाँ ईंट दे कुछ भी दे जो पकड़ सके, ये ज्यादा पकड़ नहीं पाएगी, इसको काट को कल कल के बाद से काट सकती है तो ठीक हो जाएगी, पकड़ेगा नहीं इसके हाथ में बेटा, पकड़ेगा नहीं, ये पट्टी लगा इसे कोई उठाने वाला दे, बेग परमेश्वर का वचन उठा ऐसे तो ठीक हो जाएगी, ऐसे पकड़ हाथ में, हाथ में पकड़ पकड़ हाथ में पकड़ और उसको उठा उठा उठा, ये पट्टी से नहीं उठा पाएगी, इसको पकड़ा नहीं रहा इसलिए दिक्कत है इसको। हाँ कुछ छोरा बोरा ऐसे कुछ उठाने के देश को, ताकि मैं हाथ चिपके ले और सऊदी चला जाए। कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है? कैसा लग रहा है? हाँ अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ताली बजाओ इसके लिए जोर से। प्रॉफिट जी ये बहन बता रही कि मेरा बेटा 8 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, ये 4 साल चला था और 4 साल के बाद ये चल नहीं रहा था, चलता था गिर जाता था, आज फर्स्ट बार 4 साल फर्स्ट बार अपने पैर से चल के आ रहा है। आज बेटा देख देखो तेल लगाने से क्या नहीं चला देता है, ये बच्चा उठता था गिर जाता था, उठता था गिर जाता था, लेकिन इसकी माँ बता रही है आज पहली बार हमने तेल लगाया इसके ऊपर और ये दौड़ रहा है, दिखा बेटा दौड़ के दिखा दे, आज मेरे झट्टे को खड़ा बना देता है यीशु मेरा, उस बच्चे का मम्मी बता रही कि 4 लाख रुपया लग चुका था फिर भी चल नहीं पा रहा था, 4 लाख रुपया 4 लाख रुपया लग चुका था, कहाँ से गाँव गाँव सागरपुर सागरपुर सोदरपुर सोदरपुर सोदर किधर है ये? बड़हरिया के लग से, आज से तेरे बेटा ठीक हो गया, चल बेटा मेरे चल बैठ, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे 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 लंगड़े भी दौड़ेंगे, उठ जा स्टैंड अप, सदा ये सुबह से मुझे बीच आ गया लंगड़े दौड़ेंगे, एक बार और एक बार और एक बार और बैठो चाबस उठ के दे उठ के दे, देखो ये पहली बार आज चल रहा है, चल के जाओ मम्मी के पास गोदी में जाओ, उसके उसके गोदी में जाओ, गोदी में जाओ उसका। ये बहन बता रही कि 1 साल से राइट हाथ उठ नहीं पा रहा था, आपने ऑयल पे प्रार्थना की थी, अभिषेक किए थे उस बहन ने, अभी उस हाथों पे लगाई, अभी ये बहन बता रही कि अभी हाथ उठ रहा है, हाथ उठ रहा है
हाँ कब से दर्द था? हिल रही है, हिल रही है। एक साल से दर्द रहा, लेकिन हाथ नहीं उठ रहा था। लेकिन तेल लगाई, अभी उठा के चेक की तो कैसा लग रहा है? उठ रहे हैं, उठ रहे हैं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं। तो फिर भी ये बहन बता रही, तीन साल से सीने में दर्द करता था जो ठीक नहीं हो पा रहा था, आपने अभिषेक किया जो तेल के, इस बहन ने उस सीने पे लगाई, अभी सीने के दर्द से आजाद हो चुकी है बहन। अभी दर्द ठीक है? ठीक बावे बावे। कब कब से दर्द था ये? सवेरे से दर्द लग रहा था। अभी ठीक है? कैसा लग रहा है? दौड़ के दिखा, दौड़ के दिखा, दौड़ का। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं। सुनो, दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ उसको, और वो चक्कर आ रहा है उसको, प्रभु उसे आजाद करने जा रहे हैं। जी हाँ, अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये बच्चा बचपन से मुट्ठी नहीं खोल पा रहा था, मुट्ठी नहीं खोल रहा था, मुट्ठी नहीं खोल पा रहा था। ये बहन अपने बेटे के तेल लगाई हुआ अभिषेक के, अभी मुट्ठी खोल रहा है। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा एक भी नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। किसी को देख रहा हूँ कि पछतानी में गांठ हो गया है, और यही है बहने की पछतानी में गांठ हो चुका है। कब से गांठ है? कब से बना हुआ है? 12 साल हो गया, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। डॉक्टर ने बोला गांठ हो गया है, बच्चा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा तेरे श्राप टूट रहे हैं। अरे कहाँ गया भाई? हाँ तो कुछ गाता रहा, बोलता रहा, अभी नहीं चुप रहना। इधर मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास। आज मैंने परमेश्वर ने मुझे बोला बेटा तू चेक करेगी, तेरे कांटे गिर जाएंगे यीशु मसीह के नाम, और तेरे गर्भ खुलेगा तो गर्भवती होगी, तो पुत्र जनेगी और गवाह लेकर आएगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, जाओ जाओ जाओ। तू तरह तरह के बात सोचते रहती है, जिसके कारण तेरे घर के लोग तेरे को बोलते हैं, डांटते हैं, और तू तू घर में नहीं रहती है। कई बार तेरे को घूमने को मन करता है, घूमने चले जाती है, ऐसा होता है। आज सर पे हाथ रख, तेरे बंधन टूटने जा रहा है, तेरा यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास आगे लेकर, आगे लेकर आ, लेकर आ। महिमा महिमा हो तेरे, महिमा महिमा हो तेरे, महिमा महिमा हो तेरे, महिमा महिमा हो तेरे। रुकना रुकना, देख रहे हैं, मैं तेरे सर पे दौड़ूंगा दौड़ूंगा मैं, जब तक पूरे प्रार्थना करूं, हटाना नहीं किसी को। इसके ऊपर एक स्प्रेट है, तेरे सुन मेरे बात को, तेरे ऊपर एक स्प्रेट है जो गंदा स्प्रेट है, गलत स्प्रेट, जो मन में गलत गलत चीजें डालता है, लेकिन तू आज से यीशु के नाम से प्रार्थना करना, वो शैतान तेरे को छोड़ के चला जाएगा। चाहती है छोड़ के चला जाए? चाहती है छोड़ के चला जाए? परमेश्वर ने ब्लेस कर, जहाँ से तू आजाद रहेगी, ब्लेस, चल हट जा। हालेलुया। ये बच्ची बता रही कि एक साल से इनके पेट में दर्द था, वो दर्द खत्म नहीं हो पा रहा था। आपने अभी प्रार्थना की है, इस ऑयल पे वो बहन तेल अपने पेट पे लगाई, अभी एक साल के दर्द से आजाद हो चुकी है। हालेलुया। कैसा है बेटा पेट का दर्द? कैसा है? ठीक है। कब से दर्द था ये? एक साल। तेल लगाई अभिषेक का? लगाई पेट पर। तेल लगाने के बाद क्या हुआ? अच्छा लगा। अब नहीं दर्द है? दबा के देख, दबा के देख, दबा 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 दबा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ आवाज जा रहे कि नहीं जा रहे? यस जा रहे। मैं बोल रहा हूँ पेट दबाओ, तो तेरा ध्यान किधर है? पेट दबाना, कस के दबा, और कस के दबा, और कस के दबा। अब दर्द कर रहे हैं? अब नहीं कर रहे? ताली बजाओ शुक्रिया। छुटकारा 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 आपने प्रार्थना की, खास करके ऑयल पे, वो बहन उस हाथों पे ऑयल लगाई, अभी हाथ इसका उठ रहा है। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं। पापा जी, 10 साल से निकोरिया की बीमारी था, और जैसे आपने प्रार्थना की, इस बीमारी से बिल्कुल आजाद हो चुका। अभी तेरे को राहत महसूस हो रहा है?
अभी तेरे को लग रहा है कि राहत हो गया है। ताली बजाइए शुक्रिया जोर से। तेरे चुने से, तेरे चुने से। जी बहुत बड़ी टेस्टमनी है। बहन बता रही कि 6 महीने से इनकी सांस सुलता था। अरे बहन बहुत परेशान रहती थी। अभी आपने प्रार्थना की है उस ऑयल पे और जगह पे लगाई, अभी बहन सांस फूलने से अच्छा हो चुकी है बहन। हालेलुया। सुनो 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 सुनो, तो दो लोग के लिए दुआ करना, एक का नाम आस है, एक का नाम रस है, एक का नाम सॉस है। तीन लोग के लिए सॉस है। हाँ, तीन लोग के लिए प्रार्थना करना जिसका नाम है। करेगी प्रार्थना? तो मेरा लड़का का नाम है। क्या नाम है? अरसलान। प्रार्थना करेगी तो आगे बढ़ेगा। नहीं करेगी तो नहीं बढ़ेगा। दुआ करना उसके लिए ताकि वो अगले लेवल पाए। समझ रही है कि नहीं? क्योंकि थोड़ा दब रहा है। नाम उसके नाम और से प्रार्थना करना। एक सौ से देखा कर। एक 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 नाम दिख रहा था इसको। सोसे इसका दादी का नाम। क्या नाम है? सैफुन ने। सैफुन ने था। उसको बोलना तेरे घुटने के प्रॉब्लम खत्म हो जाए। हालेलुया क्या उसको घुटने में प्रॉब्लम होता है? तो मेरे को परमेश्वर कहा जा कर ये तेल जैसे तू लगा कर ठीक हो गई, लगा दे। वो लगा रही है तो अच्छा है। आज जाकर लगा देना, जड़ से खत्म होगा। लगाएगी कि नहीं लगाएगी? चार ताली बजाओ शुक्रिया जोर से। ओ मुक्के के मुक्के के मुक्के कहिए मेरी यादें। बहन बता रही कि शादी हुए 3 साल हो गया और ये 3 साल से इस बहन को शैतानी हरकत था। जो शैतान भाग नहीं रहा था, छोड़ नहीं रहा था। अभी आपने वेदी पर से सामर्थ्य प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा टच किया और वो शैतान छोड़कर चला गया। हल्का लग रहा है शरीर? हल्का लग रहा है शरीर? हल्का बहुत हल्का लग रहा है। उड़ी जाना है, उड़ी जाना है, ये सुना सुनी से दिल में उड़ी जाना है, उड़ी जाना है, ये सुना सुनी से दिल में उड़ी जाना है। आज मेरे को परमेश्वर कह रहा है कि सबको ठीक होना। कितने लोगों को ठीक होना है? आप अगर आप ठीक होना है तो बीमारी को बोलो है बीमारी उड़ जाए, ऐ दुख उड़ जाए, ऐ गरीबी उड़ जाए, ऐ परेशानी उड़ जाए। उड़ाओ उड़ाओ उड़ी जाना है, उड़ी जाना है, ये सुना तेरे से दिल उड़ जाना है। अमेजिंग टेस्टमनी है। ए ब्रदर बचपन से ही नहीं बोल पा रहे थे, बचपन से ही गूंगा था और अपने प्रोफेसी करते देखो गूंगे बोल रहे हैं और उसी टाइम परमेश्वर का आत्मा टच किया। अभी ये ब्रदर भैया बोल रहे हैं। ये तेरा बेटा? तेरा बेटा है? ये बचपन से गूंगा है? बचपन से गूंगा है, सुनता नहीं है, कुछ भी नहीं, पता नहीं चलता। इधर मेरी तरफ दिखा, इधर दिखा बेटा, ऐसे भैया बोला, भैया 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 और किसके भैया ऐसे बोल पापा पापा उठी जाना है, ये सुना जिसे दिल में उठी जाना है। बस बस चावस देखो बोलने लगा, बोलने लगा, जाओ जाओ आजा। ये बहन बता रही कि 15 दिन से कान में दर्द था और कान से पानी गिरता था। आपने तेल पे प्रार्थना किए और ये बहन एक बूंद कान में तेल डाली, अभी कान दर्द से दर्द से अच्छा हो चुकी है। अभी दर्द कैसा है? आराम है। पानी 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 गिर रहा था कान से, आवाज गिर रहा था ना, पानी पानी गिर रहा था और अभी जब तेल लगाई कैसा लग रहा है? आराम है। अभी नहीं पानी गिर रहा है? कान कान दिखा अपना, कान दिखा, कान दिखा, कैद कर कैमरामैन, कैमरामैन कैद कर उसको। तालियां बजाइए इस बड़ी गोही के लिए, ताली बजाते रहिए परमेश्वर। आप ठीक है? आज से तो ठीक रहेंगे और परमेश्वर तेरे को आशीष देगा, तेरे घर का दुख खत्म हो जाएगा। हालेलुया।
अभी आपने बोले कि तेल रखे हाथ पर रख के लगाइए, अभी इसे घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है। कब से दर्द है बेटा तेरे को? कहाँ से आई है? कहाँ से? गोपालगंज जिला से। गोपालगंज से आई है, 7 बरस से दर्द रहा घुटने में, तेल लगाई अभी ठीक है। तेरी छलांग मार के दिखा दे। प्रॉपर्टी अमेजिंग टेस्ट बनी है। बहन बता रही कि 10 साल से कमर में घुटने में दर्द था, जो उठने बैठने में चलने में काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। बहन अभी बता रही कि जब आपने बेदी पर से प्रार्थना की उसी ने मैं बेदी शेक किया, अभी बहन 10 साल के दर्द से आजाद हो चुकी है। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा है। ऐसा कर, उड़ी जाना है, उड़ी जाना है, ये सुन ले, उड़ी जाना है, उड़ी जाना है, अगले गवाही बताओ बेटा। मैजिक टेस्ट मनी है, ये बहन बता रही 2 साल से कान से सुनाई नहीं दे रहा था और ये बहन काफी परेशान रहती थी, सुनाई नहीं देता था। तो अभी आपने प्रार्थना की वेदी पर से उसी टाइम में बहन रिसीव किया, अभी इस बहन को कान का पर्दे नए हो चुके और खुल गया है। इधर मकर, उधर मकर, उधर मकर, हाँ मेरे सब बोल, सब बोल पापा। हाँ कान से सुनाई देता, सल्तनत सुनाई देता पापा। सुन मेरी बात को, बोल एक। हाँ आप सुनाई देता, बोल एक। हाँ सुनाई देता। अरे तो बोल एक। हाँ दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, पांच, छः, छः, सात, सात, आठ, आठ, नौ, नौ, दस, दस, बस खाली बजा। बल्ले 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 ये सुंदरी बल्ले बल्ले रख या सरदार को तू पर रख ले। बल्ले बल्ले ये सुंदरी बल्ले बल्ले रख या सरदार को तू पर रख ले। क्या हुआ, क्या हुआ बेटी, किसे क्या हुआ? जल्दी से फाटा फाटा भाई को भावन करेंगे। परमेश्वर का आत्मा हर एक व्यक्ति को आजाद करना चाहता है। कर्जी से जितने लोगों के ऊपर कर्जी है वो हाथ उठाओ, जिसके ऊपर कर्जी है। आज मैं कर्जी के लिए दुआ करूंगा। पिता यीशु के नाम से जितने लोग कर्जी से डूबे हुए हैं, इनकी कर्जी से मुक्ति मिल जाए यीशु मसीह के नाम, कर्जी से छुटकारा मिल जाए यीशु मसीह के नाम। कोई कितना रीना है उसका जेब में 500 का नोट है, उसमें डबल 5 है, चेक करो जल्दी से। कोई रीना है उसके पास 500 का नोट है, डबल 5 है। किसी के पास मैं देख रहा हूँ ऐसे, किसी का नाम ऐसे देख रहा हूँ, और से उसके पास 100 का नोट है, उसमें 2 और 7 दिया गया है, चेक करो जल्दी से। जिसके पास है उसका गरीबी खत्म होने जा रहा है यीशु मसीह। मैं कह रहा हूँ अपने हाथ को उठाओ, जितने लोग मेरे परमेश्वर हाथ उठाए हैं, आज इनके घर में धन के बारिश होने पाई, धन के बारिश परमेश्वर करता है, मिरेकल मनी होने पाए, अकाउंट में मिरेकल मनी होने पाए, जेब में मिरेकल मनी होने पाए, खुदा इनके घर में मिरेकल मनी होने पाए। आज मेरे परमेश्वर जो खाली जेब लेकर आया है उसको भी ब्लेसिंग दे रही है। मेरे परमेश्वर छू, ए से, बी से, डी से, एम से, आर से, वाई से, बी से, जितने भी नाम हैं, जितने लोग के ऊपर कर्जी है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा कर्जी उतारूंगा, दुकान दूंगा, गाड़ी घोड़ा के साथ ब्लेस करूंगा, जमीन देने जा रहा हूँ, तुम्हारा घर बनाने जा रहा हूँ। आप हाथ उठाओ, आप गवाही लेकर आने जा रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, किसी को नोट में डबल 5 है, परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, 2-7 को ब्लेसिंग करेगा। मैं देख रहा हूँ 77 परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। अपने जेब में हाथ लगाओ, नोट चेक करो, उसको मेरे को दिखाना, परमेश्वर ब्लेस करेगा। 22 नंबर ब्लेस करने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ फिर से किसी का नंबर, मोबाइल नंबर 800 8 8 8 और 7 8 8 7 लास्ट में आता है, परमेश्वर कहता है कि मैं उसके बंधन तोड़ने जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आपके ऊपर परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं, आप आशीषों को बारिश लेने जा रहे हैं। अपना अपना सब चेक करो, परमेश्वर ब्लेसिंग देने, अपने नोटों को चेक करो। फिर से मैं कहता हूँ 55 77 27 देख रहा हूँ, 3 3 2 देख रहा हूँ। अपने जेब में हाथ लगाओ, जो नोट है चेक करो, नोट मुझे नहीं चाहिए, नोट आपके ही पास रहेगा लेकिन बरकत आएगा, चेक करो और गवाही लेकर आओ। ताली बजाओ, शुक्रिया, हालेलुया।
कोविड के वजह से इनकी सर में दर्द था, वो दर्द खत्म नहीं हो पा रहा था। आपने जो ऑयल पे प्रार्थना करते और अभिषेक का तेल ये बहन सर लगाई और सर के दर्द से अच्छा हो चुकी है बहन। सर का दर्द कैसा है? ठीक है। अभी कब से दर्द था ये? अभी ठीक है, आराम हो गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ तू घर में रो रही है, हंसना है कि नहीं हंसना है? हंसना है। मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे तेरे को फैमिली और शरीर से कुछ ऐसा दुख होता है कि जो बता नहीं पाती है और कहती है किससे बताऊँ, लोग मजाक बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरे दुखों को मैं जानता हूँ और मैं तेरे घर में एक नया आशीष देने जा रहा हूँ। शुक्रिया। तेरे घर में मैं कह रहा परमेश्वर आने वाले समय में फोर व्हीलर देगा। चाहिए फोर व्हीलर, चार चक्का वाला गाड़ी चाहिए तेरे को? दिला दो, बना दिला दो। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए तो ले ले, ले लेना। लेकिन एक ना, एक रॉस से नाम लिख रहा था। हाँ एक नाम दिख रहा था, रॉस से नाम। मेरा लड़का का राजा नाम है राजा। थैंक यू। राज करेगा राजा। हालेलुया। सब तेरे बेटे के भी राजा नाम है तो मेरे बेटे के भी राजा नाम है। बात बात कोई बड़ी नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बेटे को ब्लेस करूंगा, तेरे घर में मैं आशीष दूंगा। फोर व्हीलर गाड़ी से तू एक दिन मेरे पास आएगी, यहाँ पर बताएगी मेरे को कि मैंने लेकर आया। ये आशीर्वाद तेरे पर है। और तू सोच रही है कि मैं एक जमीन लूंगी, कोई कोई दुकान, कोई प्लानिंग है कोई दुकान करने के? कितने ना दुकान, कोई दुकान के लिए कर रहा है परमेश्वर। मैं देने जा रहा हूँ 2025 में खुशखबरी आने। हालेलुया। ताले बजा, ताले बजा। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं। अपने हाथ को उठाओ, उठाओ सबके सब, सबके सब, सबके सब, सब। किसी को कैंसर है, किसी को कैंसर हो गया, कैंसर, किसी को कैंसर हो गया। सुनो मेरे बात को, कैंसर बलिंटर बात नहीं का, कैंसर किसी को हो गया है, पेट में, मुंह में प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है कि उसको ऊपर तेल लगाना, वो चंगे होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य से। कोई लेडीज है सोई हुई है, चल नहीं पाती है, कैंसर के कोई लीवर में प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत आती है, वो चंगे होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। कोई जेंट्स है चलने में प्रॉब्लम है, चंगे होने जा रहे हैं, आप आशीषित होने जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु का आत्मा हर एक जन को आशीषित करे, यीशु के नाम में मांगता बोलो आमेन। अपने हाथ उठाओ, मैं बोलूं तो नहीं बजाना। हालेलुया। प्रॉफिट दे गैलरी में, गैलरी में क्या क्या उसका? हाँ इनके लास्ट में पांच और सात है। ओ तालिबे कैसुन, बोल बोल दे इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या कर्जी उतरने जा रहा है। और सुनो कह दे आने वाले 2025 में ये नया खुशखबरी पाएंगे। मैं पैसे में देख रहा हूँ बरकत नहीं आता है, बड़े परेशान रहते हैं, काम में हाथ लगाता है फ्लॉप हो जाता है। पापा जी, लेकिन परमेश्वर के मुक्ति चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, कर्ज से मुक्ति, कर्जी से। हाँ तो मैं बोला था, सुने नहीं? सुना नहीं मैंने बोला तो? अरे अरे ध्रुव बताया नहीं कि हमने परमेश्वर ब्लेस करना जा रहा है। ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। हालेलुया जी प्रॉफिट जी। दो हजार 27-28 में तू भी फोर व्हीलर से घूमेगा। लिख ले आज के दिन तारीख, तेरे लिए खुशखबरी है, कोई नहीं रोक सकता। तेरे गांव वाले पगला जाएंगे, बोलेंगे ये क्या हुआ। परमेश्वर कहता है कि मैं धनवानों को नहीं देता हूँ, मैं लाचारों को देता हूँ। किसको देता है? लाचारों को। कहता है जो टूटे हुए, बिखरे हुए, जिसका पास उम्मीद नहीं है कि मेरे साथ हो सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जिसका उम्मीद खत्म हो चुका है, आज उसका उम्मीद जिंदा होगा, वो सब कुछ पाएगा यीशु के नाम में। 27-28 तेरा होगा, खुशखबरी है, देख लेना, मजबूती को ले ले तू, और तू गवाह ठहरेगा खुदा का। ये भविष्यवाणी तेरे लिए पूरा हो गया। अब बाकी लोगों को सर पे हाथ रखो, सब 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 सब
इधर 200 का नोट में इसमें डबल फाइव है इसमें। देखो आज बरकत ही बरकत है भाई साहब। सुनो सुनो इनको ये लड़का कई लड़का जो टोकरी बना इनको इनको इसको इसको साफ सुनो परमेश्वर बात करो बात करो बात करो बात करो फाइव सेवन बोले थे लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं घर में मैं देख रहा हूँ जो मजबूत मजबूती होना चाहिए वो नहीं है उसको मजबूत करना है। पांचवा नंबर तेरे को इसलिए परमेश्वर दिया कि तुम्हारे ऊपर लोगों को भरोसा है और चाहते हैं कि तुम अच्छा काम करो लेकिन तुम बार बार फेल हो जाते हो बार बार टूट जाते हो तुमको समझ नहीं आता है अगर कोई बोलता है तो उसे लड़ जाते हो। बात सही है लेकिन घर से बहुत परेशान है घर के लोगों से। मेरे में झूठ थोड़ी बोलता हूँ प्रभु का कहता है प्रभु ने मुझे इसलिए खड़ा किया ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं और सात नंबर परमेश्वर ने इसलिए तुम्हें दिया आने वाला 2025 में आपको परमेश्वर मजबूत करेगा तैयार हो जाओ छलांग मारने के लिए। सुनो तुम्हें मैं देख रहा हूँ जहाज में बैठते हुए इसका मतलब परमेश्वर तुम्हें इंडिया से बाहर ले जाएगा देख लेना। ताली बजाओ शुक्रिया जोर से। आप जितने लोगों ने नोट लिए थे हाथ उठाओ जितने लोगों ने नोट लिए थे सब उठाओ जो दो जो भी नोट लिए पकड़ के रखो। सुनो मैं बरकत के लिए दुआ करता हूँ नोट आपके ही पास रहेगा लेकिन मेरा बात को ध्यान से सुनना नोट को खर्चा नहीं करना 2025 में नोट आपके जेब में रहना चाहिए जो आज मैं दुआ करके दूंगा। नोट ले लो अपने हाथ में मैं आज आपके नोट पर दुआ करूंगा। आज बड़े सारे लोगों का कंप्लेन है बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे जेब में पैसा नहीं रुकता है लेकिन जैसे ही नोट तुम्हारे जेब में रहेगा पैसा उड़ेगा ही नहीं। अरे लिख लो 2025 में जो कहोगे वही होगा। नोट एक नोट में 2025 में आशीषित हो सको बड़े काम कर सको बड़े बड़े बिजनेस कर सको बड़े जमीन ले सको घर बना सको गाड़ी ले सको जितने भी मैं काम सोचो सफल हो जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह में सारे नोटों पर आशीर्वाद देता हूँ इनके हर एक पैसे पर आशीर्वाद देता हूँ। जिस नोट में शुरुआत में ही सात है वो ब्लेस तीन है ब्लेस दो है ब्लेस यीशु के नाम में मैं ब्लेस चार देख रहा हूँ ब्लेस मैं बीच में एक दो तीसरा नंबर पर पांच देख रहा हूँ ब्लेस यीशु मसीह के नाम में हर एक नोट ब्लेस हो जाए आज के बाद इनका जेब ब्लेस हो जाए इनका पर्स ब्लेस हो जाए। आज मैं आपको दूंगा आप लेके जाना दो खुशखबरी लेकर आएगी चिंता मत कर तेरे प्रार्थनाओं को मैं जानता हूँ वो ठीक हो जाएगी घबरा मत। बोलती नहीं है आवाज नहीं आता है ना घबराने की बात नहीं है बैठ जाओ आवाज आज खुलेगा मुंह में अभिषेक का तेल डाल देना बैठ जाओ सब बैठ जाओ सब बैठ जाओ। हाँ सुन लो बैठो देखो नो एक कहते नहीं बैठो तो उठो तड़ी सो अब कहे उठो तो बैठिए सो बैठो 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 सब सब अपने स्थान पे जाओ मैं सारे केबिन में आऊंगा। आज मैं आपके लिए स्पेशली प्रार्थना भी करूंगा यदि आप सही से बैठे रहो तो और अभी अभी गवाही बनेगा परमेश्वर।